सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस कॉन्फ्रेंस बताने वाला हूँ लैपटॉप में एयरटेल पेमेंट बैंक लॉगिन करके इसमें कौन कौन सा काम कर सकते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाला हूँ किस तरह से इसको लॉगिन करेंगे, कैसे सारा चीज़ यहाँ पे सेटअप करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाने वाला हूँ इसमें क्या क्या आप काम कर सकते हैं, कौन कौन सा काम आप नहीं कर सकते, सारी इस वीडियो में ए टू जेड प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी तरीके से वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल कर तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको इस साइट पर आ जाना पड़ेगा airtel.in। इस साइट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओपन करने पर आपके पास इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुल कर डायरेक्ट आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा। देखिए अगर आप पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में सबसे पहले इसका अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अकाउंट पहले से आपने अकाउंट क्रिएट करें लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको जो नाम से एयरटेल सिम है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ डालेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड, ये कोई सा भी इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तब इसका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। आधार नंबर फिल करेंगे तो देखिए आधार नंबर का यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे लास्ट फोर डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ट्रम करेंगे, सेट करेंगे, यहाँ पे इसका अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट, चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर ले रहा हूँ। देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा या पिन, यहाँ पे जो एम पिन मैंने पिन डालकर डायरेक्ट आपको यहाँ पर लॉगिन सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। आपकी जो मोबाइल नंबर है एयरटेल पेमेंट बैंक का, इस पर देखिए आपको वहाँ पे ओटीपी गया है। जो ओटीपी आपके पास आया वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। कम से कम 6 करेक्टर ओटीपी गया है, वो ओटीपी को देखिए आपको टाइमिंग से पहले ये ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जो ओटीपी आपके पास मिला है जल्दी से फटाफट वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करने के बाद, देखिए ओटीपी नहीं आता, देखिए आपको रिसेंट ओटीपी क्लिक करें, ओटीपी आप दोबारा मंगा सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे रिडायरेक्ट खुल कर हो गया। देखिए आपको यहाँ पे जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल यहाँ पे ऐड मनी कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी प्रोफाइल जो अपन यहाँ पे आपका यहाँ पे एम पिन है पिन है वो पिन को यहाँ पे फिल करेंगे। वो पिन जैसे डालेंगे ये यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे ये लॉगिन यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पूरी तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। पूरी तरीके से जितना कुछ आपको डिटेल्स यहाँ दिखाया जाएगा पूरी डिटेल्स हो जाएगी। देखिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ईमेल आई डी यहाँ पे देखिए पिन कोड यहाँ पे देखिए जो ट्रांजेक्शन लिमिट है यहाँ पे KYC स्टेट यहाँ पे देखिए गाज़ियाबाद जो यहाँ पे एड्रेस है मैंने यहाँ पे करा था वो एड्रेस यहाँ पे डायरेक्ट शो हो जा रहा है। देखिए यहाँ कौन कौन सा काम कर, देखिए यहाँ पे पोस्टपेड रिचार्ज कर सकते हैं, प्रीपेड रिचार्ज, DTH, देखिए डाटा कार्ड, देखिए गैस, वाटर, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिए रहेगी। चलिए और भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको फटाफट से पूरी चीज़ जानकारी यहाँ पे अब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे अकाउंट की आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं जो कि देखिए माई अकाउंट यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट ऐड मनी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस चेक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैलेंस टोटल वॉलेट में रहेगा वो बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस यहाँ पे शो रहा है। यहाँ पे देखिए ई स्टेटमेंट यहाँ पे इसका डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। कट करने के बाद ऑप्शन में आपको दिखलाता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से आप जितना भी बैलेंस लूट करेंगे तो यह बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये चलती रहेगी, आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कौन कौन सा आप काम कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक को जो लॉगिन करें यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जितना भी सिम रिचार्ज या करा होगा सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे गैस, लैंडलाइन, वाटर, देखिए इंश्योरेंस, यहाँ पे गैस, देखिए लोन, यहाँ पे डाटा, देखिए ऑफर, इससे सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टैग ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट टैग पे क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट टैग यहाँ पे देखिए रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन मिलेगा यहाँ से वो फर्स्ट टैग को रिचार्ज कर सकते हैं या अपने सेट से यहाँ पे आपके नहीं लगाते उसके सेट से देखिए यहाँ पे वाहन निकाल सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देख चलिए और भी चीज़ यहाँ पर मैं बहुत तरीके से आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कैसे इसमें आपको काम करना है। देखिए यहाँ पे देखिए ओपन, देखिए अकाउंट यहाँ पे कर सकते, देखिए यहाँ पे 50% का कैशबैक आपको यहाँ पे दिया जाएगा एयरटेल पेमेंट, देखिए यहाँ पे ऑन व्हाट्सअप, ये सारी चलती रहेगी। यहाँ पे प्रचार आपको देख लेना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे आपको सेंड मनी करना है, देखिए आपको सेंड मनी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी को आप सेंड मनी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं इसको यहाँ पे भेज सकते। देखिए आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड में, देखिए यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। जो का वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको शो करा दिया। अगर ऐड मनी करना है तो ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, जितना बैलेंस से लोड करना चाहते हैं 500, 1000, 15000, 2000 वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बैलेंस आप कट कर सकते हैं। नेम, कार्ड नंबर जो आपका एक्सपायरी में तो वो डालेंगे, नहीं तो क्रेडिट कार्ड थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट
ऐड कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। और भी चीज़, चलिए मैं आपको सही तरीके से मैं आपको यहाँ पे बदला दूँ। देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो और भी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास खुल के रिडायरेक्ट आपको यहाँ पे कराया जाएगा। चलिए मैं आपको सही तरीके से दिखा, देखिए अकाउंट ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आप किसी का ओपन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर की साइड में आपको ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एयरटेल पेमेंट की थैंक्स एप्लीकेशन, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट करना था, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए जो अपने जो आपका स्टेट वो स्टेट चूज़ करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे कौन है, इंडिया पावर या नॉर्थ पावर, वो आपको सिलेक्ट करना। चलिए मेरा इंडिया पावर है, यहाँ सी आई नंबर डालेंगे। इसके बाद देखिए फर्स्ट बिल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका जितना बिल रहेगा टोटल शो हो जाएगा। आप जितना पेमेंट करना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे आप बिल पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप ये सब काम यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे पीसी में लॉगिन करके ये सब सारा काम आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पूरी प्रोसेस ए टू जेड प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको लाइव सा दिखला दिया। अगर आपको देखिए कार्ड देखना है तो इसके यहाँ पे आपको शो सारी डिटेल्स आपको शो करा दिया जाएगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सो आप इस तरह से यहाँ पे पीसी में यहाँ पे अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को यहाँ पे लॉगिन करके ये सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।